नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 राजस्थान हाई कोर्ट का जो है क्या फैसला आया है, उससे संबंधित बिग अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां, कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 की जो है नई अपडेट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप सभी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट, आंसर कीज, विभागीय आदेश, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या राहत दी है अभ्यर्थियों को, उसे संबंधित आज की बिग अपडेट के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो के स्क्रीन में दिख रहा होगा, जी हाँ, कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 सामान्य वर्ग से ज़्यादा अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट में करे शामिल हाईकोर्ट। जी हाँ, जो सामान्य वर्ग के, जी हाँ, जनरल कैटेगरी के से जो ज़्यादा अंक वाले हैं, ऐसे आरक्षित वर्ग के, जी हाँ, रिजर्व्ड जो कैटेगरी के हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट में करे शामिल हाई कोर्ट। जी हाँ, पूरी अपडेट इस वीडियो में जानते हैं आखिर क्या है। जयपुर से बड़ी खबर, कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022। जी हाँ, कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने राहत देते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के जिन याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने आयु सीमा और योग्यता में, ध्यान दें यहाँ पर, आयु सीमा और योग्यता में छूट का लाभ नहीं लिया है, उन्हें कंप्यूटर टेस्ट में शामिल किया जाए। जी हाँ, याचिकाकर्ता पंकज व अन्य के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 1985 पदों के लिए, यानी यहाँ पर 1985 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी, जिसको लिखित परीक्षा 12 मार्च को हुई थी एवं 1 मई को परिणाम जारी कर वर्गवार कट ऑफ जारी कर दी गई, जिसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ 196.34, OBC वर्ग की कट ऑफ 230.44, SC वर्ग की कट ऑफ 202.43 और MBC वर्ग की कट ऑफ 203.35 सहित आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है उनकी कट ऑफ 224.53 ये रखी गई थी। अब हाईकोर्ट प्रशासन ने सामान्य वर्ग से, जी हाँ, जो सामान्य वर्ग से अधिक अंक और अपने वर्ग से कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया है, जबकि नियमानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। प्रो भर्ती में लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट के अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी, ऐसे में यह स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं था, इसलिए जहां लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर मेरिट बनती है, उन भर्तियों में अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाता है। तो यह बड़ी अपडेट आज की, जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सामान्य वर्ग से जो ज़्यादा अंक लाने वाले रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको कंप्यूटर टेस्ट में शामिल किया जाए, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट का बयान आया है। जी हाँ, जो कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 उससे संबंधित आपको आज की अपडेट बताई गई। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए इस चैनल को, जी हाँ, आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।